टीआईआर के अंदर ये क्वेश्चन गिवन है, मैं क्वेश्चन इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ। वो कह रहा है ये ट्यूब है, यू ट्यूब, यहाँ से लाइट जाती है, इसकी विड्थ स्मॉल डी है, यहाँ से लाइट जाती है, यहाँ टकराती है, टीआईआर हो जाता है, टकरा के इधर चली जाती है, टीआईआर हो जाता है, टकरा के नीचे आ जाती है, तो इस एंड से गई, इस एंड से घूम के वापस आ गई, तो टीआईआर हो गया। आपको ये गिवन है, जो इनर सर्कल है, अंदर का सर्कल है, उसका रेडियस गिवन है आर। तुम्हें ये डिस्टेंस क्या गिवन है? डी, ये रही डी, स्मॉल डी, स्मॉल डी। और ये एंगल क्या गिवन है? थीटा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है थीटा। तो आपको ये बताना है कि डी बाय आर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी इसमें, पहला रूल। क्योंकि क्वेश्चन में मेंशनड है डायग्राम में कि यहां पर टी आई आर है, तो मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन है? थीटा। दिस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो पहली कंडीशन क्या बनेगी? थीटा शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, राइट? दोनों तरफ साइन लगा लो, साइन थीटा ग्रेटर देन साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल। साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल क्या होता है? 1/μ। तो ये टर्म तो आ गई, 1/μ का मतलब 2/3। साइन थीटा निकाल लेते हैं। बोलो साइन थीटा इस ट्राइंगल में क्या बनेगा? साइन थीटा बनेगा कैपिटल आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर प्लस डी। ये क्या है? आर। ये क्या है? डी। तो साइन थीटा की जगह क्या पुट करेंगे? आर अपॉन आर प्लस डी। साइन थीटा की जगह आर बाई आर प्लस डी, और साइन क्रिटिकल एंगल की जगह 1/μ। इन इक्वालिटी सॉल्व कर लो, डी बाई आर की रेशियो लेस देन हाफ आएगी, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी इसकी? हाफ आएगी। पॉइंट समझ में आ रहा है कैसे करना है? तो आपने ये कंडीशन लगाई, ये वैल्यू लिखी, साइन ऑफ थीटा क्या होता है? साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल क्या होता है? 1/μ आता है। साइन थीटा क्या होता है? ये रहा आर अपॉन ये डिस्टेंस, ये पुट कर दिया, तो ये रहा साइन थीटा, ये रहा साइन सी। सॉल्व कर लो आंसर। तो मेथड समझ में आ रहा है? कुछ नहीं, ज्योमेट्री खतरनाक है, अंदर कुछ भी नहीं निकलेगा, थीटा ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल ही निकलेगा। क्लियर है यहाँ तक कि क्या रेशियो ली? जैसे ये क्वेश्चन है, रे ऑफ लाइट इज ट्रेवलिंग इन अ रेयरर मीडियम। तो रे ऑफ लाइट कहाँ ट्रेवल कर रही है? रेयरर। स्ट्राइक्स अ डेंसर मीडियम, तो रे ऑफ लाइट पहले केस में कहाँ एंटर कर दिया? रेयरर टू डेंसर, तो रेयरर टू डेंसर है। और सच दैट रेयरर टू डेंसर आती है, इसका कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हो जाता है और कुछ रिफ्रैक्ट हो जाता है। तो ये रिफ्रैक्ट है, ये रिफ्लेक्ट है, एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्लेक्शन के इक्वल है, ये रिफ्रैक्शन है। और क्वेश्चन में गिवन है कि रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज 90 डिग्री पे हैं, तो ये एंगल इनके बीच में कितना है? 90। ये आपको डायग्राम उसने दे दिया। अब वो ये कहता है अनदर रे ऑफ लाइट, एक और डायग्राम बनेगा और सेम फ्रीक्वेंसी को इंसिडेंट करवाया गया सेम बाउंड्री के, लेकिन फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। वो डायग्राम बना नहीं, पहला डायग्राम है रेयरर टू डेंसर, दूसरा क्या है? डेंसर टू रेयरर। तो अगर मैंने इसी रे को डेंसर से रेयरर करवाया, तो बताओ मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, ताकि रे सेकेंड केस में क्या हो जाए? रे की टीआईआर हो जाए। पहले केस में हो नहीं सकती, रे इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, डेंसर टू रेयरर में टीआईआर हो सकता है। सेकेंड केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा कि टीआईआर हो जाए, ये केस है। चलो एक काम करते हैं, दो केस बनाते हैं। पहले केस में टीआईआर तो हुआ नहीं, रिफ्रैक्शन कर लेते हैं। तो रिफ्रैक्शन का लॉ क्या कहता है? यहाँ से पहली बात तो ये एंगल 90 है, आर प्लस आर डैश क्या है? 90 है। लेकिन आर किसके इक्वल है? आई। तो आर प्लस आर डैश 90 है, आर प्लस आर डैश 90 है, ये रहा। तो आर डैश क्या है? 90 माइनस आर। लेकिन आर किसके इक्वल है? आई। तो आर की जगह क्या पुट कर सकते हैं? आई। तो आर डैश की वैल्यू कितनी आ गई? 90 माइनस आई। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है। अब मेरे को ये पता है स्नेल्स लॉ क्या कहते हैं? म्यू आर इंटू साइन आई, म्यू डी इंटू साइन ऑफ आर डैश। ये रहा, यहां से आर डैश की जगह क्या पुट कर लिया? 90 माइनस आई, जो कि क्या होता है? कॉस आई। यहां से डेंसर रेयरर मीडियम का रेशियो निकाल लिया, तो म्यू डी बाय म्यू आर निकाल के रख लिया, 10 आई। तो स्नेल्स लॉ आपको कुछ नहीं दे रहा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की रेशियो दे रहा है। तो स्नेल्स लॉ लगा के म्यू डी और म्यू आर की रेशियो आपने निकाल के रख ली। क्लियर है यहां तक? अब दूसरे केस में, सेकंड केस का डायग्राम नहीं है पर अंडरस्टूड है कि टीआईआर हो रहा है, टीआईआर हो रहा है तो क्रिटिकल एंगल से बड़ा एंगल बना होगा, या क्रिटिकल एंगल तो बना ही होगा। और साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल क्या होता है? 1/μ।
सेकेंड केस में ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है क्योंकि टी आई आर, वो कह रहे हैं टी आई आर हो रहे, तो सेकेंड केस में एप्लीकेबल है। अब सेकेंड केस के अंदर म्यू क्या है, डेंसर एंड रेयरर, मैंने सिखाया था नीचे डेंसर यहाँ पर रेयरर, इसको ब्रेक करके लिखेंगे तो डेंसर नीचे है तो ऊपर आएगा, रेयरर ऊपर है तो नीचे आएगा, रेसिप्रोकली आएगा। साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल इसके इक्वल है, पर इसकी रेशियो केस नंबर वन से हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 1/10 आए जो कि क्या होता है कॉट आए, तो सेकेंड केस में वो कह रहे हैं क्रिटिकल एंगल क्या होगा या एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा सेकेंड केस में, क्योंकि मेरे को टी आई आर कह रहे कि होगा सेकेंड केस में, इस एंगल को क्या होना पड़ेगा क्रिटिकल एंगल, और आपको क्या निकालना है क्रिटिकल एंगल, आपको केस नंबर टू में एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है, और जब टी आई आर हो एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। तो ये ऑप्शन अगर ऑब्जेक्टिव आएगा तो ऐसे सॉल्व करना है। तो एक बार फिर से कॉम्बिनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन एंड टी आई आर है, तो दो केस बना दिए, एक में रिफ्रैक्शन ताकि आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की रेशियो निकाल सकें, और दूसरा टी आई आर, इन्हें कंबाइन करके आपको कोई ना कोई ऑप्शन गिवन ही होगा। मेरे हिसाब से इस टाइप का न्यूमेरिकल बोर्ड के अंदर बिल्कुल परफेक्ट है और बहुत ज़्यादा आता है। प्रिज्म के ऊपर, टी आई आर के ऊपर बहुत न्यूमेरिकल आते हैं, इसको तो पढ़ ही लें, इसको तो पढ़ ही लें, ये तो पक्का इस टाइप का न्यूमेरिकल आएगा, मतलब ये नहीं आएगा, मिलता जुलता आएगा, लेकिन ज्योमेट्री ऐसी आनी चाहिए, ये ज्योमेट्री एक्सपेक्ट की जाती है। टेंथ में टी आई आर किया है, टेंथ में टी आई आर है आपके, ये आपके सामने एक प्रिज्म है और आपको क्या निकालना है, आपको थीटा निकालना है इस प्रिज्म का, अजीब क्वेश्चन है, प्रिज्म का थीटा निकालना है, और रे कैसे जा रही है, बिल्कुल सीधी, और ऐसे जा रही है ताकि टी आई आर हो जाए इस फेस पे, जब ये टकराएगी क्वेश्चन में कह रहे हैं टी आई आर होगा। और दो केस हैं जब ये प्रिज्म, मतलब दोनों के अंदर आपको क्या निकालना है, आपको थीटा निकालना है क्या होगा मैक्सिमम वैल्यू, जब ये प्रिज्म एयर में पड़ा हुआ है और जब ये प्रिज्म किस में पड़ा हुआ है, वाटर में पड़ा हुआ है, दो बार ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इसकी ज्योमेट्री देख लो, ये रे आई, यहाँ पर रिफ्रैक्शन नहीं होगी, ये आपने नॉर्मल ड्रॉ करना है यहाँ पे। अब जब नॉर्मल ड्रॉ करोगे इस ट्राइंगल में, ये 90, ये थीटा, तो 90 माइनस थीटा, इस ट्राइंगल में 90 माइनस थीटा 90, तो फिर ये थीटा, और अगर ये थीटा तो ये कितना 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितने हैं 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर ये ज्योमेट्री समझ में आ रही है, तो ये आपने ऐसे नॉर्मल ड्रॉ करके आपने यहाँ से ज्योमेट्री ड्रॉ करनी है, तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या बनेगा 90 माइनस थीटा। तो शुरू करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि टी आई आर हो तो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 माइनस थीटा क्रिटिकल से तो क्या होना चाहिए, बड़ा ही होना चाहिए। तो बना दी कंडीशन, टी आई आर की कंडीशन यही है, आपको क्या निकालना है थीटा, तो थीटा एक तरफ बाकी टर्म एक तरफ, मतलब इसको रीअरेंज करके ये टर्म आ गई, तो अगर आपका थीटा इससे कम है इसका मतलब टी आई आर हो रहा है, सेम चीज है, आपको क्या निकालना है थीटा निकालना है। चलो शुरू करते हैं, सबसे पहले प्रिज्म किसके किसके अंदर पड़ा हुआ है, एयर में, तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू क्या कैसी आएगी, साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल क्या होता है 1/μ, म्यू किसका, ग्लास का, विद रिस्पेक्ट टू बाहर मीडियम क्या है एयर, और आपको ये वैल्यू गिवन है। हाँ, ये ऐसे एंगल पेपर में आते नहीं है क्योंकि नॉर्मल ठीक एंगल आते हैं 45 डिग्री 30 डिग्री, पर चलो कैलकुलेटर से निकाला जाए तो क्रिटिकल एंगल कितने हैं 41.8, जिसको अगर आप यहाँ पुट करोगे 90 माइनस 41.8 क्या आएगा, थीटा लेस देन 48.2, तो थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी फर्स्ट केस में 48.2, और दूसरे केस में कह रहा है फिर से यही क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर से थीटा निकालो, लेकिन इस प्रिज्म को किस में रखना है, वाटर में, पानी में जाते ही सबसे पहली चीज़ क्या चेंज होगी, क्रिटिकल एंगल, क्यों, क्योंकि क्रिटिकल एंगल क्या होता है 1/μ, अब म्यू चेंज हो गया, क्यों चेंज हो गया, क्योंकि ग्लास के बाहर मीडियम क्या है, वाटर,
एयर की जगह वाटर हो गया, इसको ब्रेक कर लिया, ग्लास नीचे है तो ऊपर आ गया, वाटर ऊपर है तो नीचे आ गया, रेसिप्रोकल लिया, आपको वाटर और ग्लास के दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है और कैलकुलेटर से मान लो आपने थीटा सी निकाल लिया, थीटा सी निकाल लिया, फिर से ऊपर यहाँ पर पुट कर दिया, 90 में से थीटा सी माइनस करके क्या आया 27.3। तो मैक्सिमम वैल्यू सेकेंड केस में 27.3। मेन बात क्या है, जब प्रिज्म को किसी और मीडियम में डाला गया तो क्या चीज़ चेंज हुई, उसका क्रिटिकल एंगल चेंज हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी सारा क्वेश्चन सेम है। क्लियर है यहाँ तक? ये क्वेश्चन मेरे को बहुत अच्छे से याद है, ये आप पुराने पेपर में खोल के देख लेना, स्टैंडर्ड रूट टू, लोगों को स्टूडेंट को इसके आंसर याद होते हैं रूट टू, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है प्रिज्म का, पहला वाला पार्ट एक बार इसे देखें, ये बोर्ड के अंदर बहुत आता है। तो क्या क्वेश्चन है, अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली एट वन, देखो कोई चीज़ प्रिज्म है, रे ऑफ लाइट आई, यहाँ पर दिख रहा है टी आई आर करवाने की कोशिश की जा रही है, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा प्रिज्म का, जब प्रिज्म किस में पड़ा होगा, एयर में, और प्रिज्म किस में पड़ा होगा, वाटर में, तो आपको मान लो ये वैल्यू निकालनी है, आई क्या होगा, पहला रूल, चलो वाटर को छोड़ो पहले एयर में करें, एयर के अंदर अगर आप काम करते हैं तो एयर में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और दिख रहे टी आई आर करने हैं तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से तो बड़ा होगा ही, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल, दोनों तरफ साइन साइन लगा लें, साइन आई इज ग्रेटर देन साइन ऑफ क्रिटिकल। अब आपको इस क्वेश्चन में साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला पता है क्या होता है, 1/μ, तो राइट साइड की जगह क्या पुट करेंगे, 1/μ, और साइन आई क्या है, इस ज्योमेट्री को देखो, ये 90, ये 40, क्योंकि ये आइसोसेलस है तो ये 45 45 सेम, ये 45, ये 90, ये इस ट्राइंगल में ये 90, ये 45, तो ये भी कितना 45, ये 45 तो ये भी कितना 45, ये 45 तो ये भी कितना 45, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू कितनी है 45, तो यहाँ पर आई की जगह पुट कर दो 45, तो साइन ऑफ 45 क्या है 1/√2, साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल क्या है 1/μ, तो यहाँ से 1/μ, साइन आई में आई की जगह 45, सॉल्व कर लो आंसर, तो यहाँ से म्यू स्टैंडर्ड की वैल्यू √2 है, बहुत बुक्स में क्वेश्चन गिवन है बोर्ड में, तो √2 के साथ सॉल्व होता है, तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि रूल क्या है इसमें, तो आपको म्यू जो है ग्रेटर देन √2 गिवन है, पर मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो इक्वल टू √2 कर देंगे, कोई डाउट है इसमें, मेथड समझ में आया कि क्या रूल है। अब दूसरे केस में वो कह रहे हैं कि ये प्रिज्म को मैंने किस में रख दिया, वाटर में, पानी में रख दिया, अब पानी में रखते ही म्यू चेंज हो गया, अब मुझे नहीं पता कि टी आई आर होगा कि रिफ्रैक्शन होगा, क्योंकि पहले केस में तो एयर में रख के तो वो बोल रहा है कि टी आई आर होगा, दूसरे केस में वाटर में रखने के बाद कह रहे हैं ट्रेस द पाथ ऑफ द इमरजेंट रे, बताओ इमरजेंट रे की टी आई आर हुई या रिफ्रैक्शन हुआ, ये आप बताओ। चलो बता देते हैं, सबसे पहली चीज जब आप बाहर वाटर रखेंगे तो सबसे पहली चीज क्या चेंज होगी, क्रिटिकल एंगल, क्यों, क्योंकि साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल क्या है 1/μ, और म्यू क्या है, अब ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर की जगह क्या लगाना है, वाटर, इसको वाटर को ऊपर की जगह नीचे रख लें, ग्लास को नीचे की जगह ऊपर रख लें, रेसिप्रोकल, तो ये आपके पास क्या आ गया, साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल इसके इक्वल आ गया। अब ये कैलकुलेटर से करने वाली बात है, ऐसे एंगल्स आते नहीं है, पर दो मिनट के लिए अगर मैं वाटर और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पुट कर दूं और सॉल्व कर दूं तो क्रिटिकल एंगल कितने 72.25, और मेरी ज्योमेट्री क्या कहती है कि यहां पर एंगल कितना था 45, अब मैंने लाइट को 45 डिग्री पे इंसिडेंट करवाया,
और इस केस में क्रिटिकल एंगल कितना है 72.2। अब मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन क्रिटिकल, इसका मतलब टी आई आर नहीं होगी। अगर ग्रेटर देन क्रिटिकल है टी आई आर होगी, लेस देन क्रिटिकल है टी आई आर नहीं होगी। तो यहाँ पर टी आई आर नहीं होगी, फिर क्या होगा? फिर रिफ्रैक्शन होगी। फिर आप रिफ्रैक्शन शो कर दो। जब आप रिफ्रैक्शन शो करते हो फिर आपको ये एंगल निकालना पड़ेगा आर, और आर निकालने के लिए स्नेल्स लॉ। तो क्या लगाएंगे? म्यू इंटू साइन ऑफ 45, दिस म्यू इंटू साइन ऑफ आर। वो कैलकुलेटर लेके जैसे भी करना है तो आर की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। ये एंगल्स अजीब हैं, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, पर अगर अच्छे एंगल्स हों, ठीक एंगल्स हों, 60, 45, 30, तो आइडिया समझ में कैसे करना है, तो स्नेल लॉ से एंगल कैसे निकलेगा। क्लियर है यहाँ तक? तो इसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक सफिशेंट।